प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज आजमगढ़ जिले के ठेकमा के फूला देवी पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब जनता को जनसेवा केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं है। पंचायत भवन बारात घर बनाने जा रहा है, जो गरीब कमजोर लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ते थे। ऐसे में आधार कार्ड पेंशन परिवार रजिस्टर की नकल नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि 207 योजनाओं का लाभ अब पंचायत भवन सचिवालय पर जनता को मिलेगा, इसको लेकर तैयारी कर ली गई है। सुल्तानपुर लूटकांड में आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा सवाल उठाए जाने के सवाल पर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाना कोई बात नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में भी अपराधी मारे गए थे। सपा और बसपा के कार्यकाल में भी अपराधी मारे गए। भाजपा की सरकार में 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत अपराधी मारे गए, पर इस पे अखिलेश यादव सवाल नहीं करते हैं। 19 यादव अपराधी मारे जाते हैं तो उनकी चिंता करते हैं और सवाल भी उठाते हैं। अखिलेश यादव को अपने कौम की चिंता है, जब पुलिस के ऊपर अपराधी फायरिंग करेंगे तो क्या पुलिस फूलों की वर्षा करेगी। पहले से ही बदनाम जिला है, समाजवादियों का जिला माना जाता है जी। समाजवादियों ने आजमगढ़ को लूट लिया जी, समाजवादियों ने आजमगढ़ को लूट लिया। एनडीए सरकार ने आजमगढ़ के लोगों को जागरूक करने के लिए महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी दिया जी, कि पढ़ोगे लिखोगे अब तुम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो। जी जी बिल्कुल ठीक है, सही है। तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जी जी एनडीए सरकार माननीय अमित शाह जी और योगी जी ने यात्रा को उद्घाटन जी जी आपके इसी आजमगढ़ से जी जी सुहेलदेव एक्सप्रेस दिया जी, कि अगर टूर पे जाना हो जी तो आप ट्रेन पकड़ो सुहेलदेव एक्सप्रेस। मैं बिल्कुल सही, देश के किसी कोने में जाके घूम करके चले चले आओ जी। और गरीबों के लिए आप देखिए, अभी 3 दिन पहले जी जी 70 साल के लोगों को 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज, चाहे वो किसी जाति धर्म का। हाँ हाँ, अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा हाँ हाँ किया। पहली बार देश में हुआ था जब एनडीए की सरकार बनी जी 2014 में जी जी, तो गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख, उसमें कोई जाति नहीं जी, कोई मजहब नहीं नहीं, वो किसी जाति धर्म का हो सकता जी जी जी, उसका लाभ ले सकता है। फ्री राशन दे रही है। 75 जिले में 7 साल के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आपके आजमगढ़ में भी दंगे होते थे लेकिन 7 साल में एक दंगे नहीं हुए, ये प्रमाण है एनडीए सरकार के सुशासन का जी। रही बात अभी 1231 करोड़ रुपया मोदी जी ने अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल के लोगों के लिए अभी 8 तारीख को घोषणा किया है, हर जिले के विकास के लिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई लोगों को मिले। और मजे की बात, पिछली सरकार जाति छीन करके नौकरी देती थी जी, यहाँ जो योग्य है जो भर्तियां हो रही हैं पारदर्शिता करके जो योग आ रहा है उसकी भर्ती हो रही है, योग्यता के आधार, योग्यता के आधार पे भर्ती हो रही है, चाहे वो रिजर्वेशन में हो चाहे जनरल हो। तो सरकार जो काम कर रही है संविधान के दायरे में काम कर रही है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल अनर्गल बयानबाजी, क्योंकि कभी कभी जैसे देखे होंगे कि बिना वजह सीआर होते हैं, वही हाल इन लोगों का है जी जी। लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका में जाकर के राहुल जी बोल रहे हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे, अमेरिका में बोल रहे हैं।
कोई सुनने ना पावे। सोशल मीडिया पे आया आया ना, गलत सही नहीं कह रहा हूँ मैं? हाँ सही कह रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के नेता से हमारा सवाल है आजमगढ़ से कि क्या आरक्षण खत्म करने वाले के साथ रहोगे कि आरक्षण बचाने वाले के साथ रहोगे? नहीं, वो आपने बहुत अच्छा ये समझाया जो लोगों सर कि जो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।